कानपुर में हुए विकास दुबे एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाक शंकर मिश्रा ने याचिका दायर की। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मानवाधिकारों का उल्लंघन, जुडिशरी के कार्यों का कार्यपालिका द्वारा किया जाना, बहुत ढेर सारी बातें जिसपे सारे बुद्धिजीवियों की उंगली उठी थी। उस प्रकरण पर मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को 9 तारीख को एक पत्र सो मोटो के लिए दिया कि वो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि क्या यह प्रकरण कार्यपालिका न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके कर रही है। इस पे द्वारा सो मोटो की कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 10 तारीख को हमने इसी कार्य के तहत एक रिमाइंडर माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। उस पे भी कार्रवाई न होने के कारण मैं एज ए महासचिव बार एसोसिएशन, मुझे लगा कि चूंकि इस प्रकरण पे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कार्यपालिका न्यायपालिका से बड़ी हो गई है, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा को कार्यपालिका ने लगातार गिराने का कार्य किया। इससे दुखी होकर आज हमने एक PIL 10 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने जाके मेंशन किया, जिस पे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने परसों 15 को सुनवाई के लिए, जिससे कानपुर इनकाउंटर प्रकरण में सुनवाई 15 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी। यही इस तथ्य से संबंधित सारी जानकारी।